नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं 20 अप्लिक नेटवर्क एमसीक्यू जो फ्रेम किए गए हैं द हिंदू से, पीआईबी से और इंडियन एक्सप्रेस से। यहाँ पर हम लोग जो 18, 19 और 20 अप्रैल के एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग पिछले वीडियो के जो एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, पिछला हमारा था 17 अप्रैल का वीडियो, वहाँ पर हमने पढ़ा था जो लेपिडोप्टेरा है इसके बारे में। ये क्या है? ये एक टाइप है मोस कम्युनिटी का जो मिलता है आपको हिमालयन रीजन में। ये एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर है, जिस तरह से जो आपके गंगाटिक हमारे जो डॉल्फिन होते हैं उस तरह से ये होते हैं पॉलिनेटर्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी इकोलॉजी के लिए। सिस क्या होता है? सिस एक टैक्स होता है टैक्स पर, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पर लग सकता है। फॉर एग्जांपल, जो सुपर रिच होते हैं, मतलब जिनकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा होती है, उन पर एक अलग से सिस लगाया जाता है ताकि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो थोड़ा सा मेंटेन किया जा सके। यहाँ पर जो रेवेन्यू हम लोग अर्न करते हैं सिस के थ्रू, उसका एक स्पेशल पर्पस होता है। सिस लगाने का एक अलग पर्पस होता है और उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम लोग वो टैक्स पर टैक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, स्वच्छ भारत टैक्स। इस सेस से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल होगा स्वच्छ भारत मिशन को चलाने में। ठीक है, तो तुमने बात थी किसके बारे में? सेस के बारे में। अगला हमारा टॉपिक था, एक ज्वालामुखी था इंडोनेशिया का, वो काफी एक्टिव था। उसका नाम था अनक कराकाटो वोल्केनो, जो बसा हुआ था जो सुंडा स्ट्रेट है ना वहाँ पे। ये सुंडा स्ट्रेट के बगल में बसा हुआ है, जो कोलैप्स हो गया था 2018 में और तब से यहाँ पर इरप्शन होते रहे हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वहाँ पे। अगला सवाल था सत्यम प्रोग्राम के बारे में, कौन सा मंत्रालय है? मंत्रालय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और ये जो जैसे कि हमारा प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत योगा का क्या इम्पैक्ट होगा कोरोना वायरस पर, उसके सिम्टम पर, उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। क्लियर है? कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका जो कॉग्निटिव साइंस रिसर्च इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत सारे जो रिसर्च हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। अगला हमारा सवाल था जो GI टैग था और जो राज्य थे उनके बारे में, जो बीड का कस्टर्ड एप्पल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। फिर आपका जो मैंगो था वो आंध्र का था और जो जोहर राइस है वो आसाम का है, ना कि आंध्रा का। तो और केवल पहला सही है, दो और तीन यहाँ पे गलत है। क्लियर है? भारत का जो पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सा है? ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे जो कल्चरल साइट है और जो नेचुरल साइट है दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसी कारण से कंचनजंगा को रखा गया है दोनों में, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज दोनों में रखा गया है। कहाँ पर है? ये सिक्किम में है और ये फुलफिल करता है दोनों की प्रॉपर्टी। ये भारत का पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। अगला हमारा सवाल था जो सर्टिफिकेशन मार्क होते हैं उसके बारे में, जो ISI होता है, FPO मार्क होता है, इंडिया ऑर्गेनिक मार्क होता है, सिल्क मार्क होता है, इन सब के बारे में हमने दिया था। क्या सिल्क मार्क मैंडेटरी हैं और क्या सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजर द्वारा इशू किया जाता है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये एडवाइजरी है, इसके कारण से पहला गलत था। FPO मार्क को दिया गया है मैंडेटरी दर्जा केवल FSSA एक्ट पास होने के बाद, इसके पहले ये एडवाइजरी था केवल। इंडिया ऑर्गेनिक है ना ये वाला मार्क, ये इशू किया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके द्वारा, नहीं किया जाता। कौन करता है इसको? इसको इशू करता है आपका जो हमारा अगला मिनिस्ट्री है वो फर्टिलाइजर वाला। क्लियर है? जो हमारा जो भी आपके ऑर्गेनिक फूड होते हैं उसको ये इंडिया ऑर्गेनिक मार्क दिया जाता है। क्लियर बातें? यहाँ पर मेरा अगला सवाल था जो प्रोटेम स्पीकर है उसके बारे में, जो आर्टिकल 180 है वो देता है इसको यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो जो प्रोटेम स्पीकर है उसको अपॉइंट किया जा सके। और हमारे जो पावर है प्रोटेम स्पीकर के वो समान होते हैं एक स्पीकर की तरह, मतलब कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता, प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर का पावर। यहाँ पर दोनों बातें यहाँ पर सही थी, ठीक है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन ऑफ द डे। अब करते क्या है, हम लोग अब चलते हैं आज के अपने नए क्वेश्चन की तरफ। ये सारी बातें मेरे बारे में है, नाम वगैरह पता ही है आपको। जो PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी ID है @sumant, फेसबुक पेज हमारा है @sumant, ईमेल ID भी है @sumant@gmail.com, टेलीग्राम का जो ऐप है उसे ओपन कीजिएगा, वहाँ पर जो
एड सुमंत है ना, इसको टैप कीजिएगा, हमारा आप चैनल दिख जाएगा। यहाँ पर मेरे सारे वीडियोस जो करंट अफेयर एमसीक्यूज के हैं, मॉक टेस्ट हमारे आते हैं, मेरे दूसरे वीडियोस ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन है मेंस के वो कर सकते हैं यहाँ पे आप। हम लोग यहाँ पे जो है ना एमसीक्यूज वो भी सब सॉल्व कराते हैं आपके लिए, ताकि जो प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो पूरी हो सके। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर सारी बातें हमारे हैं। क्वेश्चन होंगे आप इंग्लिश में भी, क्वेश्चन आपके होंगे हिंदी में भी, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए, हम लोग ला रहे हैं आपके लिए दो कोर्स सबसे मेन। पहला हमारा है साइंस एंड टेक का कोर्स, दूसरा है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स। जो कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, यहाँ पर हम लोग जो करंट अफेयर है उसे हम पूरा कवर करेंगे। जो करंट अफेयर्स है ना, ये पूरा किया जाएगा, और इसके बाद जो स्टैटिक के वो टॉपिक जो करंट के पार्ट रहे हैं उनको भी हम लोग पूरा करेंगे। सेम एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले में, यहाँ पर जो करंट का पूरा पार्ट है उसे कवर किया जाएगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो हमारे पास है स्टैटिक का, उसको भी यहाँ पर पूरा कवर किया जाएगा जो न्यूज़ में होंगे। इसके अलावा हमारे दो कोर्स और चल रहे हैं। पहला कोर्स है इंडियन ज्योग्राफी पे, और दूसरा कोर्स है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। तो मेरे इन चारों कोर्स को देख सकते हैं आप, अगर आपने एनरोल किया हुआ है अकेडमी अकेडमी तो इन कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा। अगर हमसे आप नहीं किया हुआ तो कर सकते हैं आप SN Live कोड यूज़ करके ये जो कोड है इसको यूज़ कीजिएगा, आपको डिस्काउंट जो 10% का वो मिलेगा, आप इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्रीलिम्स है तो आप 3 महीने का चाहे जितना भी आपका मन करे उसको कर सकते हैं ज्वाइन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2021 की 2022 की, तो बढ़िया रहेगा कि आप ज्वाइन करें 2 साल का, क्योंकि इसकी फ़ी है 48 और 1 साल की फ़ी है 40। डिस्काउंट करेंगे ये पड़ेगा आपको 36 का, ये पड़ेगा आपको 43 का। तो 1 साल वाले में 2 साल में ज़्यादा अंतर है नहीं, तो आपको देखना है कि आप कौन सा ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे कूपन कोड पता ही है आपको, जैसे ही यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आप मुझे मेल करेंगे इस ईमेल आईडी पर, ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकूँ, जहाँ पर हम लोग अपने जो MCQs है, मॉक टेस्ट है वो सॉल्व करते हैं, जो प्रैक्टिस है ना वो करते हैं। चलिए, अनअकैडमी का ऐप ओपन कीजिएगा, वहाँ पर सुमंत कुमार नाम लिखा होगा उसको फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है ना हमारे स्पेशल वाले वो आप देख सकते हैं। हमारा पहला जो सवाल है वो है सेबी पर, क्योंकि हुआ क्या था, अभी जो कोरोना वायरस है उसके कारण से दुनिया के जो इक्विटी मार्केट हैं उसमें हमें देखने को मिली गिरावट। जो भारतीय स्टॉक हैं, मतलब कि कंपनियों के जो स्टॉक हैं, उसमें काफ़ी जो डिक्लाइन देखने को मिला। चूँकि स्टॉक का प्राइस काफ़ी गिर गया है, तो जिनके पास पैसा है वो लोग खरीदेंगे स्टॉक। चाइना के पास ढेर सारा कैश रिजर्व है, उसने HDFC जो बैंक है ना, HDFC बैंक के शेयर में अपना हिस्सेदारी 1% कर लिया। तो हुआ क्या कि जो सरकार है यहाँ की वो गंभीर हो गई कि अरे हमारे कंपनी में जो मतलब कि अपना जो इक्विटी होल्डिंग है बढ़ा रही है चाइना। तो उन्होंने किया क्या कि जो भी स्टॉक खरीदने का जो पहले अप्रूवल रूट में था उसको उन्होंने कर दिया गवर्नमेंट रूट, मतलब कि अब गवर्नमेंट की सहमति के बाद ही आप जो फॉरेन निवेश है वो आ सकता है चाइना से और हमारे आस पड़ोस के कंट्री से। ठीक है, मतलब चाइना को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये बात करी गई है। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो सेबी फर्दर इंक्रीजेज स्क्रूटनी ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। यहाँ पे एक बात और है, जो अनाउंसमेंट किया गया था ये आया था 11 अप्रैल को, जब HDFC लिमिटेड हैड रिवील्ड इन अ फाइलिंग दैट चाइनीज सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना जो स्टेक होल्डिंग है उसको रेज कर लिया था 1.01%। इसका पहले 0.8% ही था। हमने सवाल दिया इसलिए आपको सेबी के बारे में, सेबी का सवाल दिया गया ये कि कौन कौन से एंटिटी सेबी के नियमन के अंतर्गत आती हैं, किन किन एंटिटी को सेबी रेगुलेट करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। 1, 2, 3, 4 में क्या आंसर है जी? 1, 2, 3, 4 में किन्हें किन्हें करता है बताइएगा आराम से। आरजे, मुकेश, आकाश, सैद राबिया, गुड मॉर्निंग साहब सभी को, आरती, दिनेश कुमार सरोज, आकाश, ओम, शाहजहां खातून, आकाश, ठीक है, रवीना, मीनू, अंजुमन, ममता, राखी, अनी, दीपांकर, ठीक है, विभांशु, मिंटू, हनुमान, छाया,
अभय, निलेश, दीपांकर, ठीक है, मनप्रीत, सभी आ गए हैं, बढ़िया। जी हाँ बिल्कुल, सूर्य बॉडी है से भी। क्या आंसर है इसका? यहां पर देखो, सेबी जो है ना, सेबी रेगुलेट करता है इन्वेस्टमेंट बैंक को, कैपिटल मार्केट तो करता ही करता है, कैपिटल मार्केट तो इसका मेन है ना, जो आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है सेंसेक्स और आपका जो ये जो क्या है एनएसई है, स्टॉक ब्रोकर्स को, REITs को, INVITs को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, कम्युनिटी फ्यूचर और ऑप्शंस को, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को, इन सभी को करता है रेगुलेट। इसी कारण से मेरा यहाँ पर वन अल्टरनेट तो हो गया यहाँ पर, ठीक है। रियल एस्टेट वाले करता है क्या? इसे करता है। यहाँ पर आपका थ्री भी हो गया, फोर भी हो गया, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। रियल एस्टेट वाले को भी करता है और जो आपका इंफ्रा है इसे भी करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये सारे एंटिटीज रेगुलेट किए जाते हैं, यहाँ पर ठीक कर लो, ये सारे एंटिटीज किए जाते हैं आपके रेगुलेट सेबी के द्वारा। एक बात और देखो, पहले क्या था, पहले सबसे ज्यादा आपका FPI आता था मॉरिशस से, सिंगापुर से, क्योंकि हमारे यहाँ होती थी राउंड ट्रिपिंग। क्या होती थी? यहाँ पर होती थी राउंड ट्रिपिंग। मगर अभी क्या किया गया है, मॉरिशस का, सिंगापुर का, जो साइप्रस है, इनके साथ हमारा जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है DTAA है, इसको अमेंड कर दिया गया है। तो अब यहाँ से जो इन्फ्लो है भारत में FPI का काफ़ी कम हो गया है। अब सबसे ज़्यादा आता है US से, US के बाद नंबर आता है आपका मॉरिशस का, फिर आता है नंबर लग्जमबर्ग और सिंगापुर का, उसके बाद आता है नंबर UK, आयरलैंड, ये सब कंट्री का, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास सबसे ज़्यादा जो FPI हैं, FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब कि हमारे यहाँ जो लोग खरीदने आते हैं ना स्टॉक बाहर से, वो लोग यहीं से पैसा घुमा करके लेकर के आते हैं। यहाँ पर एक बात आई थी जो एरोसोल है इनके बारे में, रिसर्च आया है कि एरोसोल से भी कोरोना वायरस जो है वो ट्रेवल कर सकता है, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे वातावरण में घूम रहे होते हैं उनसे भी आपका कोरोना वायरस फैल सकता है। एक्सहेल्ड एरोसोल स्प्रेड कोरोना वायरस अप टू 13 feet एंड शूज कैरी द वायरस टू, ये सब बातें पता चली रिसर्च में। हम लोग सवाल करेंगे यहाँ पर एरोसोल के बारे में। और एरोसोल होता क्या है? सम एरोसोल आर रिफ्लेक्टिव, मीन्स व्हेन सूर्य की किरणें बीम डाउन ऑन देम दे बाउंस द रेज बैक आउट ऑफ द एटमोसफेयर। क्या एरोसोल रिफ्लेक्टिव होते हैं? क्या वो परावर्तक होते हैं जो सूर्य की किरणों को दोबारा परावर्तित कर देते हैं बाहर में? दूसरा, मिस्ट, डस्ट, पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट और स्मोक, क्या ये एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल है? एरोसोल होता है दो तरह का, एक होता है आपका नेचुरल, एक होता है आपका एंथ्रोपोजेनिक। तो क्या ये जो आपके एरोसोल हैं, मिस्ट, डस्ट, पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट और स्मोक, क्या ये मानव निर्मित एरोसोल हैं? क्या आंसर 1-2 में जी, 1 और 2 में क्या सही है, मुझे बताइएगा जल्दी से। ठीक है यार, ये मिस्ट और डस्ट है। मिस्ट और डस्ट तो आपका नेचुरल हो गया, ये क्या बनाएगा आदमी? मिस्ट और डस्ट जो होता है ये होता है नेचुरल, क्या है ये आपका है नेचुरल एरोसोल, जो आपका एरोसोल अथी ये फिर जो आपका जो पर्टिकुलर पोल्यूटेंट है, यहाँ पे जो आपका स्मोक है और पर्टिकुलर वाला है, ये आता है आपका मानव निर्मित में। किसमें आता है? ये मानव निर्मित में आता है, इसलिए मेरे यहाँ पर दो गलत हो गया। मिस्ट एंड डस्ट दोनों नेचुरल हैं, पहला यहाँ पर सही है। काफ़ी सारे जो एरोसोल होते हैं वो हल्के रंग के होते हैं, वो लाइट कलर के होते हैं, इस कारण से जब वो ऊपर बादल के ऊपर होते हैं ना, तो सूर्य की जब रोशनी आती है उन पर पड़ती है तो उसको वो लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एरोसोल जो है ना, ये आपका जो था ना जियो इंजीनियरिंग टेक्निक जो होते थे, मैंने बताया था ना ये वाला क्लाउड सीडिंग वगैरह, फिर दर्पण वाला भी था, मिरर वाला भी था, है ना, आपका था क्लाउड सीडिंग, फिर आपका था ऑर्बिटल मिरर, ये सब तरीकों में एक ये भी था कि हम लोग अगर वहाँ पर जो एरोसोल है छिड़क देंगे, एरोसोल छिड़कने के बाद सूर्य किरणें हो जाएंगे रिफ्लेक्ट, जो टेम्परेचर है हमारे एटमोसफेयर का वो धीरे धीरे घटेगा, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया जी, A1 only is the correct answer।
एरोसोल सॉलिड पार्टिकल होते हैं, लिक्विड पार्टिकल होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो हमारी हवाओं में घूमते रहते हैं छोटे छोटे। हमारे यहाँ जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, देखो आप देखेंगे कि मान लो कि देखो मान लो कि आपका रूम पूरा अंधेरा है, आपका रूम अंधेरा है और एक छोटे से छेद से रोशनी आ रही है, क्या आपको उस रोशनी में आपको पार्टिकल्स दिखते हैं छोटे छोटे ढेर सारे? दिखते हैं ना, कभी कभी आपका पूरा रूम धूप अंधेरा है और एक छोटी सी लाइट की किरण आ रही है रूम में, आपको पार्टिकल दिखेगा हल्का हल्का, तो वो हमारा होता है एरोसोल। ये हो सकते हैं नेचुरल, जैसे कि फॉग, मिस्ट, डस्ट, गीजर सिस्टम्स। ये हो सकते हैं मानव निर्मित, जैसे कि आपका पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट, पर्टिकुलर मैटर, और आपके होते हैं स्मोक। ये करता क्या है कि कितना हीट हमारे एटमॉस्फेयर में आता है और जाता है इसे करता है रेगुलेट, और कैसे ये हमारे जो बादल हैं बनते हैं। अगर एरोसोल वहाँ पर है आपके एटमॉस्फेयर में, तो ये एरोसोल एक न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है, इसी पार्टिकल के चारों तरफ जो पानी है ना आकर के जमता है और ड्रॉप्स बननी शुरू होती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ड्रॉप्स बननी शुरू होती हैं, ये लाइट कलर होते हैं, इसलिए ये लोग इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगला सवाल हमारा है इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में, क्या ये एक परमानेंट संवैधानिक बॉडी है जो बनाया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा? क्या इट वॉज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन? क्या इसको हेड करता है हमारा गृह मंत्री? सिंपल सा सवाल है, क्या इंटरस्टेट काउंसिल को हेड करता है हमारा गृह मंत्री? बिल्कुल रवीना, वोल्केनो से जो इरप्शन होता है उसमें भी आपके ढेर सारे जो एरोसोल है, जो पार्टिकल है ना, वो निकलते हैं। एरोसोल ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा आकाश? पर्टिकुलर मैटर 2.5 मानव निर्मित ही है, हो सकता है कि नेचुरल में भी हो, सारे थोड़े हैं। हाँ, मानव निर्मित है काफी सारा, मगर अधिकांश जो होता है नेचुरल का होता है। अच्छा, क्या बोलते हैं 2.5, मतलब उनका साइज ही तो छोटा है। ठीक है, बढ़िया, क्या आंसर है इसका? ठीक है, सिंपल सा है, इसको देखो, इसको बनाया गया था सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर। कब बनाया गया था इसे? बनाया गया था सरकारिया की रिकमेंडेशन पर, पहला यहां पर, दूसरा सही है। ठीक है, यहां पर ये एक परमानेंट नहीं है, ये एक नॉन परमानेंट संवैधानिक, क्या है ये? एक नॉन परमानेंट संवैधानिक बॉडी है, नॉन परमानेंट है संवैधानिक बॉडी, इसलिए आपका पहला गलत हो गया, पहला गलत, दूसरा सही। यहां पर इसको हेड करता है आपका प्रधानमंत्री, ना कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इसको हेड करते हैं। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, तो यहां पे आपका पहला गलत हो गया, मतलब क्या, ए चला गया, डी चला गया, तीन तीन तो दोनों में है, सॉरी, ठीक है, ठीक है यहां पे। अच्छा, आपको पता है ना कि जो इंटरस्टेट काउंसिल होते हैं, नहीं ये नहीं, आपका जो था ना एक और था जो आपका बनता था राज्य के बीच में, क्या आंसर था उसका जी? पीएम होता है, ये पीएम होता है, एक होता है राज्य का, मुझे ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, एक ऑप्शन होता है वो वाला कौन सा था, रीजनल काउंसिल था क्या? देखो पांच आपके बने थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 1956 वाला, इससे एक बना हुआ था नॉर्थ ईस्ट का जो एक्ट था ना उससे, क्या आंसर है उसका? हाँ, उसका आंसर क्या है, ये वाला कौन सा था, जरना मैं भूला हुआ हूं, इसका आंसर क्या है, जो था ना वाला ईस्टर्न काउंसिल, वेस्टर्न काउंसिल, वो कौन से काउंसिल था? वो ओरिजिनल, वो जोनल काउंसिल था, थैंक यू, वो जोनल काउंसिल था। ठीक है ना, इसके जो होते हैं चेयरमैन वो हमारे गृह मंत्री होते हैं, इसके तो पीएम होते ही हैं, इसके पीएम होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला गलत है, यहाँ पर तीसरा गलत है, दूसरा सही है। तो अगर मैं यहाँ पर यह कह दूं कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो मेरा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इनकरेक्ट कहूँ ना तो यहाँ पर डी होगा, अगर मैं करेक्ट कहूँ तो यहाँ पर केवल टू ऑनली होगा, जो कि ई ऑप्शन मुझे ऐड करना पड़ेगा, टू ऑनली। ठीक है, मेरा केवल दूसरा सही है, पहला परमानेंट नहीं है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा नहीं प्रधानमंत्री के द्वारा हेड किया जाता है, जो जोनल काउंसिल है हमारे वो बनाए गए हैं, जो एक्ट है उनसे सचिवी बॉडी है उसको हेड करता है आपका गृह मंत्री। क्लियर है यहाँ पे? तो ये बनाया गया था, एक जो हमारा ऑर्डर है ना वो जारी किया जाता है आर्टिकल 263 के अंतर्गत, कमीशन था सरकारी कमीशन, और ये डिस्कस कर सकता है पॉलिसीज को जो डिस्प्यूट होते हैं राज्यों के बीच में उनको। बिल्कुल अशोक, 6 जोनल काउंसिल हैं, 5 तो बनाए गए हैं स्टेट रिवर्सन एक्ट से, एक बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट वाले से। अगला सवाल हमारा है कुसुम स्कीम के बारे में, क्या ये एम करता है कि हमें जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट हैं वो इंस्टॉल करने हैं, जिसकी कैपेसिटी होगी 2 मेगावाट ग्रामीण क्षेत्र में, क्या इसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर? बोलना क्या आंसर है यहाँ पे ध्यान से। बिल्कुल सही, गृह मंत्रालय इसको हेड करता है जोनल काउंसिल को। ठीक है, निखिलेश गुड मॉर्निंग आपको भी, कैसे हैं राखी? ठीक है, बढ़िया। कौन सा मंत्रालय है ये बताओ, अगर यहां पर बात होगी सोलर पावर की, अगर सोलर की बात हो रही है तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है वो होना चाहिए, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ये होता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आपका दो चला गया, पहला यहां पर सही है, इट एम टू इंस्टॉल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट जिनका कैपेसिटी होगा 2 मेगावाट का हमारे ग्रामीण इलाके में, पहला यहां पर सही है। क्या आंसर आया? ए वन ऑनली इज द करेक्ट आंसर। यहां पे जो ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप है इसको इस्तेमाल किया जाएगा। देखो होता क्या है कि हमारे बहुत सी जगह पर बिजली नहीं पहुंची है, वहां पर बिजली ही नहीं है तो पंप कैसे लगाए किसान, कैसे करें इरिगेशन? तो वहां पर हमारा रह जाता है लैंड रेनफेड। अब उस रेनफेड को इरिगेटेड बनाने के लिए किया किया जा रहा है कि उनको दे रहे हैं हम लोग सोलर पंप 2 मेगावाट का, नहीं मतलब पंप छोटे का होगा, वहां पर हम लोग प्लांट लगाएंगे जिनकी कैपेसिटी होगी 2 मेगावाट का। 2 मेगावाट का पंप नहीं, काफी ज्यादा होता है पंप, जो होता है ना वो 1 HP का होता है। वैसे भी पंप नापते हैं हम लोग HP में, अरे पंप का पावर हम लोग अपने हाउस पावर में ना, ये तो एनर्जी का मात्रक है 2 मेगावाट, समझ रहे हो? तो पंप होता है 1 HP का, 2 HP का, 5 HP का, जैसे कि मेरा खेत है वहां पर लगा हुआ है 5 HP का मोटर पंप, समर्सेबल है। तो यहां पर जो सोलर पावर प्लांट हैं लगाए जाएंगे 2 मेगावाट के हमारे ग्रामीण एरिया में, तो यहां पर जो हमारा सोलर पावर है ना उसको हम लोग यहां पर प्रमोट करेंगे। ये हमारा है कुसुम स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, कुसुम के बारे में हम बातें यहां पर डिस्कस करें। यहां पर 17.5 लाख जो पंप हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे ऑफ ग्रिड, जो किसान हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको इरिगेशन की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। जो 27.5 लाख सोलर और वाटर पंप हैं वो बांटे जाएंगे किसानों के बीच में, क्लियर है? टोटल 27, और उसको लोग बांटेंगे ऐसे 17.5 लाख पंप एंड 10 लाख पंप विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द लोकेशन वेयर ग्रिड इज अवेलेबल, मतलब कि जहां पर ग्रिड है वहां पर 10 लाख, जहां पर ग्रिड नहीं है वहां पर 17 लाख पंप को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। अगला हमारा सवाल है, बिल्कुल सब्सिडी दी जाएगी, हाँ जो बिहार गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सब्सिडी देती है अगर आप सोलर पैनल लेते हैं, सोलर पंप लेते हैं। तो अगला सवाल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने इसके प्रोविजंस वगैरह को, हम देख लेते हैं कि आपको इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से कंज्यूमर राइट दिए गए हैं आपको यहाँ पे। राइट टू फाइल अ कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर,
याद है, बताया था मैंने, जो नया वाला एक्ट बना है उसमें आप भारत में कहीं से भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेलर के खिलाफ। ये नहीं कि जहां सेलर है हमको वहीं से फाइल करना है केस, ऐसा नहीं है। पहले ये लिमिटेशन थी, अब नहीं है। पहला यहां पर सही है, राइट टू सीक कंपनसेशन अंडर द प्रोडक्ट लायबिलिटी। आपने कोई सामान खरीदा, वो सामान डिफेक्टिव निकला और उस कारण से आपका लॉस हो गया। याद है आपको एक मूवी थी अपरिचित, अपरिचित में उसने एक जो साइकिल का जो ब्रेक है वो खरीदा था, है ना, ब्रेक खराब निकल गया, अब उसका धक्का लगते लगते बचा था तो गया है ना कंप्लेन फाइल करने। उसने कहा कि हाँ ठीक है मेरी जान नहीं गई, मगर हो सकता है जान जा सकती थी ब्रेक खराब होने से, ब्रेक फेल होने से, तो आप जो कंपनसेशन है ना वो मांग सकते हैं। क्लियर है, दो यहाँ पर सही है। राइट टू प्रोजेक्ट कंज्यूमर एज ए क्लास, जी हाँ आप एक क्लास सूट फाइल कर सकते हैं अगर बड़ा एरिया कंज्यूमर का इफेक्ट हुआ हो तो। राइट टू सीक अ हियरिंग थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हमको बार बार आने की जरूरत नहीं है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम केस में हियरिंग कर लेंगे। ये नहीं कि हमने केस फाइल किया है केरला में तो हम बार बार वहां पर जाएंगे यहां से दौड़ दौड़ के। राइट टू नो व्हाई कंप्लेन रिजेक्टेड, आपने कंप्लेन फाइल किया तो उसे क्यों नहीं इंटरटेन किया गया, उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी आपको जानने का अधिकार दिया गया है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1919 के अंतर्गत। ध्यान सुनना, 2019 के पहले 1986 वाला जो कानून था ना वो इम्प्लीमेंट हो रहा था, काफी पुराना था, और ये जो है वो ई कॉमर्स से डील नहीं करता, उसमें था ही नहीं। 86 में ई कॉमर्स था क्या? नहीं था, अभी आ गया है, तो इसीलिए हमको एक नया जो कानून है वो बनाना पड़ा। 5 यहां पर सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है IPFS के बारे में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में सवाल ये पूछा गया है, क्या ये पार्ट है WMO का, क्या ये पार्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। इसका जो काम है कि हम सपोर्ट करेंगे ट्रांजिशन टू लो कार्बन मोर रिसोर्स एफिशिएंट इकोनॉमी, उसमें क्या ये WMO के इस काम का पार्ट है। दूसरा, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंफॉर्मेशन को फैलाएं ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फाइनेंस में उसको प्रमोट किया जा सके। क्या भारत मेंबर है IPFS का? सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में। ध्यान सुनना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरत होती है पैसे की। मान लो कि आपको लगाना है सोलर पावर, चाहिए पैसा, पैसा कहाँ से आएगा, या तो गवर्नमेंट दे, या तो प्राइवेट पार्टी दे, या तो कोई दुनिया की कोई दूसरा जो हमारा संस्था है वो दे। तो इसी पैसे को, ये पैसा आपका जा करके सही जगह लगे, ये पैसा करके सही जगह लगे, इसके लिए आपको जो IPFS है ना ये बनाया गया है। ठीक है, ट्रेन में मूवी अच्छी थी ना अपरिचित, देखी है आपने? मुझे काफी अच्छी लगी थी, मैंने कई बार देखी है मूवी वाली, मतलब उसका जो एक्टिंग है ना वो काफी अच्छा था उस मूवी में। मतलब जिस तरह से वो चेंज करता था, मतलब एक मोड से दूसरे मोड में, कभी शांत है कभी पूरा गुस्से में आ गया, बाल लंबे लंबे। यहां पर सोचो अगर ये सस्टेनेबल इकोनॉमी में फाइनेंस में डील कर रहा है तो वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों होगा? अरे मेट्रोलॉजी वाला संस्था क्यों करेगा? मेट्रोलॉजी मतलब क्या? जो आपका वेदर है, क्लाइमेट है, उससे डील करता है, उसमें क्या चेंज आ रहा होगा उसको ट्रैक करता होगा, फाइनेंस में थोड़ा डील करेगा। तो WMO जो है इसको देख करके आपको पहला काट देना था। अगर मैं कहता कि RBI जो होता है वो जो कमोडिटी मार्केट है उसमें एंगेज्ड है, क्या बात सही है? अरे RBI काम है मनी मार्केट का, RBI का पर्पज है जो बैंक है उसको रेगुलेट करने का, जो मनी मार्केट है उसको देखने का। सब्जी मंडी में थोड़ा जाएगा RBI, कमोडिटी में डील करेगा क्या RBI? नहीं डील करेगा। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है और यहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये थोड़ा डील करेगा इन सब में, पहला गलत हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो दोनों है वो सही है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है इन्वायरमेंटल फाइनेंस को, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, ये संस्था करेगा प्रमोट और भारत इसका मेंबर है। 2 और 3 बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों,
तो ये बातें हमारे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में। ये पार्ट है आपका WMO का नहीं, ये पार्ट है यूरोपियन कमीशन का। इसका जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम लोग जो ट्रांजिशन करें लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ, मतलब जहां पर कार्बन फुटप्रिंट कम हो, जहां पर कार्बन कम इमिट होता हो उसकी तरफ। यहां पर जो प्राइवेट कैपिटल है उसको मोबिलाइज करना काम होता है इसका, मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी है उनके पैसे को सही जगह लगाएं जहां जरूरत है। मान लो कि टाटा को इन्वेस्ट करना है आपके आपका जो है रिन्यूएबल एनर्जी वहां पर, मगर उसको उसको पता नहीं कहां पर करें निवेश। उसको बताएंगे कि हाँ तुम जो सोलर पावर है वहां पर करो, तुम जो विंड पावर है तो वहां इंस्टॉल करो, वहां पैसा लगाओ, समझ रहे बात। तो यहां पर जो फाइनेंस है उसको हमको लगाना है सही जगह पर, ये काम होता है इसका IPFS का, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हुई हमारी आज की। आपको पता है हमारे कोर्स के बारे में, हम लोग हमने शुरू किया है कोर्स असेंटेक पर, हमने शुरू किया है कोर्स हमारे टेक्नोलॉजी पर, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, कूपन कोड है SNLive यूज़ करके। हाँ, एक महीने का 3 महीने का जो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आप, सारा देख लीजिए, फिर फाइनेंस फिनिश कर दीजिए आप। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2020 की तो 3 महीने वाला ठीक रहेगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 21 की चाहे 22 की तो सही रहेगा, 2 साल वाला चाहे 1 साल वाला, जैसे आपका मूड करें, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं 7 बजे अपने मॉक टेस्ट में आधे घंटे के बाद, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।